हेलो दोस्तों, मैं प्यारे बच्चों एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम डिटरमिनर से संबंधित जो हमारा पहला टाइप है आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का किस प्रकार यूज करें, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ, लेट्स बिगिन। आर्टिकल, इसका हिंदी इक्विवेलेंट मीनिंग उपपद, उपपद। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में ए और एन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल, जो होते हैं ए और एन। ए और एन, ए और एन का हम किस प्रकार यूज करें और इन दोनों के यूज करने के क्या मायने हैं या कहां पर इसके रिस्ट्रिक्शंस है कि इस जगह पर ए का यूज होगा, इस जगह पर एन का यूज होगा। दोनों की कॉमन कंडीशन हम समझ लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। हमेशा जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आएंगे और नाउन्स मस्ट बी काउंटेबल। नाउन्स मस्ट बी काउंटेबल, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज वही होगा जो नाउन है वो काउंटेबल हो। और ये तो संभव है कि जो काउंटेबल होगी वही सिंगुलर और प्लूरल बनेगी। इफ बिगनिंग साउंड इज वॉवल, अगर नाउन की शुरुआती जो ध्वनि है अगर वॉवल है तो एन का यूज होगा। इफ बिगनिंग साउंड एज कॉन्सोनेंट देन वी मस्ट यूज ई। अगर वॉवल्स मीन्स स्वर ध्वनि और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन ध्वनि, अगर नाउन की फर्स्ट जो लेटर है या फिर जो बिगनिंग की साउंड है वो वॉवल्स है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। इन बातों को ध्यान रखें, नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, नाउन्स मस्ट बी काउंटेबल ऑन, और बिगनिंग साउंड अगर वॉवल है तो हम एन का यूज करेंगे, और नाउन की जो बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ने और यूज करने से पहले ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं इनको दिमाग में रखना है, तभी जाकर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का सही यूज कर पाएंगे। जैसे ही इज, खाली जगह वन आइड मैन, ही इज खाली जगह वन आइड मैन, इसमें अगर ए एन और द अगर यूज करना है तो हमें देखना है ये जो आर्टिकल
आ रहा है वो इस मैन के लिए आ रहा है, परंतु इंग्लिश में फ्यूंसी के लिए, और जब आप बोलते हो तो ये साउंड इसको बेस बनाकर ए और एन का यूज किया जाएगा कि इनके तुरंत बाद जो वर्ड आया है उसकी साउंड कैसी है। वन व, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ही इज, खाली जगह इंटेलिजेंट बॉय, ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट बॉय। अब आप देखिए, ये एक बार पुनः कह रहा हूं, जो हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो नाउन के लिए आता है, परंतु नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव्स बैठे हैं तो उनकी साउंड को देखना पड़ेगा। इंटेलिजेंट ई, और ये भी एक वोवल साउंड है, इसलिए यहां पर एन का यूज किया जाएगा। तो इन बातों को अब, ये पहले हमने जो पॉइंट देखे, मैन सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, और अब ये बात हो गई साउंड की। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग, और वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग। ही इज, खाली जगह यूनिक लीडर, इसमें आपको देखना है कि ये जो आर्टिकल यूज हो रहा है इस लीडर के लिए, लीडर नेता, ये भी अकाउंटेबल है और सिंगुलर है, ए और एन आएगा। अब यूनिक, य, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और अ, ही इज अ यूनिक लीडर। आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है, आई यानी ए ई ओ यू आई, ये वोवेल्स है इंग्लिश में, ए ई ओ यू आई या फिर लाइन में ए ई आई ओ यू। यहां पर आप देखते हो तो ये यू आया हुआ है, इस यू को देखकर आप एन ना भरें, क्योंकि जब ये साउंड करता है तो ये वोवेल्स की ना करके कॉन्सोनेंट की करता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हमें ए का प्रयोग करना है, ना कि एन का। और इसमें जो साउंड देखनी है वो वोवेल्स, उन वोवेल्स की साउंड देखनी है, स्वर देखने हैं जो हिंदी में होते हैं, अ से लेकर अं। ये जो लाइन है इनमें जो जो स्वर आते हैं, वोवेल्स आते हैं, उन साउंड को ध्यान में रखकर ए और एन का प्रयोग करना है। इनडेफिनिट आर्टिकल यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट नाउन, अगर कोई सेंटेंस हो यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट नाउन, मान लीजिए कोई इनडेफिनिट, जो कोई अनिश्चित, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वहां हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे सामान्य आप देख रहे हैं किसी थिंग को या फिर पर्सन को, जैसे आई सा बॉय, तो यहां पर अब एक सामान्य है जनरल बॉय, जिससे आप परिचित नहीं हैं, तो यहां पर अ, और जब इसको आप दोबारा लिखेंगे आई सा ए बॉय, ही, या तो ही या फिर द बॉय वॉज क्राइंग। अब पहली बार इनडेफिनिट आर्टिकल आया, और जब ये दोबारा इसी को हमने सेंटेंस में यूज किया तो ये एक पर्टिकुलर हो गया, ये एक खास हो गया, तो हम दोबारा इसको डेफिनिट आर्टिकल से लिखेंगे। अगर
ज्यादातर हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में काउंटेबल नहीं होती जिनका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता। परंतु कुछ कंडीशन में अगर आपको लगे कि हमें उस व्यक्ति जैसा चाहिए, यानी उस जैसा, जैसे इंडिया खाली, इंडिया नीड्स खाली जगह हिटलर, भारत को हिटलर की जरूरत है, आवश्यकता है, तो यहां पर आएगा अ हिटलर। इंडिया नीड्स अ हिटलर, इंडिया खाली जगह इंडिया नीड्स खाली जगह जॉस बटलर, भारत को एक जॉस बटलर की जरूरत है। तो मतलब ये दोनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आता नहीं है, परंतु उस जैसे की जरूरत हो, इस सेंस में अगर हम प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं तो उनसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। और प्रॉपर नाउन को हम यूज कर सकते हैं, परंतु वो प्रॉपर नाउन व्यक्ति ना होकर व्यक्ति का कोई न कोई कार्य होगा या फिर उसका कोई वर्क होगा। जैसे देयर इज खाली जगह शेक्सपियर ऑन द टेबल, ये सेंटेंस है। देयर इज खाली जगह शेक्सपियर ऑन द टेबल, मान लीजिए ये कहना चाहते हैं या फिर कि वहां टेबल पर शेक्सपियर है, मतलब ये शेक्सपियर व्यक्ति नहीं है, शेक्सपियर का कोई वर्क या फिर बुक है। तो इससे पहले ही ये आएगा, देयर इज अ शेक्सपियर ऑन द टेबल। अगर किसी सेंटेंस में प्रोफेशन प्राइस स्पीड ये बताने हो तो भी ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज खाली जगह टीचर, तो यहां पर आ टीचर, अ टीचर। ही रैन 10 किलोमीटर एन आवर, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। 50 रुपीज अ किलो, अगर हमें प्राइस दिखाना हो तो भी और एन का प्रयोग होगा, अगर हमें स्पीड दिखानी है तो भी, और प्रोफेशन दिखाना हो तो अभी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल का प्रयोग हम कुछ फ्रेजेज होते हैं एंड इडियम्स, उनमें भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे टेक अ रेस्ट, टेल अ लाई, टेल अ लाई और इन अ हरी। जैसे ही इज टेकिंग अ रेस्ट, अगर यहां पर खाली जगह है तो हमें ए का प्रयोग करना है, ही इज टेकिंग अ रेस्ट। The thief was telling a lie. चोर झूठ बोल रहा था, तो ये एक फ्रेज बन रहा है।
टेल अ लाई, और अगर सच बोलना हो तो स्पीक द ट्रुथ, ये आएगा ना कि स्पीक अ। इन अ हरी ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। एक और हरी के लिए हैश शब्द आता है, तो यहां पर ही वॉज इन हैश डायरेक्ट आएगा, हैश के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। तो इनडेफिनिट के आर्टिकल के ज्यादातर मोस्टली यही यूज है। आप आज के वीडियो में जो जो यूज हमने पढ़े इनको एक बार दोबारा रिपीट कर लें, अपनी नोटबुक में उतार लें। इनसे ज़्यादा इनडेफिनिट आर्टिकल के सेंटेंस या फिर यूज नहीं आएंगे। कई एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन या इससे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो।